आपको दिखाने वाले हैं ताज होटल और बताएंगे कि ताज होटल की एक महीने की कमाई कितनी है और गेट ऑफ इंडिया। तो बस बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भैया ये है ताज होटल जो कि आप देख सकते हो, मतलब कितना ज्यादा खूबसूरत है। इसके सामने ना जो ये छोटा छोटा लगा है नारियल का पेड़, छोटा नहीं काफी बड़ा, ये तो मेरे को बहुत ज्यादा खूबसूरत। और ये बिल्डिंग देखो लगभग 30 फ्लोर की है। बाकी मैं आपको अभी दूर से थोड़ा कैप्चर करके दिखा रहा हूँ ताज होटल और उसके बगल का, तो आप बताओ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ ना कि मतलब ये ऐसी जगह पे बना है, गेट ऑफ इंडिया, गेट ऑफ इंडिया के बाद समंदर, उसके बाद ताज होटल। और ताज होटल का कलर ऐसा है, यहाँ पे हमेशा आपको पब्लिक मिलेगा। बाकी आप इसका डिजाइन देख सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत डिजाइन मैंने किसी होटल का नहीं देखा। इसके अंदर का खाया नहीं तो मालूम नहीं, बाकी पब्लिक देखो। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ गेट ऑफ इंडिया। तो ये सामने गेट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का ही एक अजूबा है, तो बहुत खूबसूरत चीज़ है यार। अगर आप मुंबई आते हो तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए। और बाकी आप पब्लिक देखो, और आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगा, कैमरामैन सर एक फ़ोटो, सर एक फ़ोटो। अरे मोबाइल किस काम का है, लेकिन खिंचवा ये फ़ोटो, अच्छा खींचता है। बाकी यहाँ से ताज होटल का व्यू देखो। और भैया आपको लेके आ चुका हूँ उस जगह पे जहाँ से लोग एलिफेंटा जाते हैं, एलिफेंटा जाने का रास्ता। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाज़ जो कि सामने मेरे को दिख रहा है, एक दो जहाज बड़ा बड़ा, लेकिन उस तरफ तो पूरा जहाज का बाजार बाजार, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है। देखो जहाज, और मेरे को समझ में नहीं आता जहाज में ऐसा छोटा छोटा सा टायर बांध के क्यों रखते हैं, हर जहाज के अंदर पाओगे। और आप जहाज देखो, एलिफेंटा जाने का वही 300-400 लेंगे इधर उधर समंदर में टहलाने का। तो आप आते हो तो इसका जरूर मजा उठाइए, क्योंकि आप देख सकते हो, मतलब ये देखो मैं कितना करीब से कैप्चर कर रहा हूँ, कितना खूबसूरत चीज है। इस तरफ से पानी कितना स्पीड से बहा रहा है यार, मेरे को लगता है ये इंजन का है। मैं अभी तक बैठा नहीं भाई, तो अभी इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन बैठूंगा अगर आप इस वीडियो में कमेंट करोगे तो। और सामने देख सकते हो जहाज का पूरा, मतलब वो जो छोटा छोटा सा पहाड़ उस तरफ दिख रहा है ना, वहां से लेके पूरा ताज होटल के दार है, पूरा जहाज ही जहाज। ये देखो इस तरफ से जाते हैं, मतलब ऐसा सीढ़ी है, लोग सब जाने वाले हैं जहाज में, कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग जाने वाले, पूरा एकदम सिस्टम बना के रखा है। इस तरफ देखो कितना पब्लिक देख रहा है यार खाली इन जहाजों का, क्योंकि इनका व्यू, इनका नजारा जो मस्त आता है ना, कसम से बोल रहा हूँ, क्या बताऊं, इतना मस्त इसका नजारा आता है। बाकी आप इस तरफ, और इसमें एक चीज और है, ये जो छोटा छोटा पक्षी है ना, ये बहुत अच्छा है। बाकी आप, मैं थोड़ा दूर से कैप्चर करके आपको दिखा रहा हूँ ताज होटल, क्योंकि दूर से काफी अच्छा लगता है, मैंने काफी वीडियो में देखा। तो आप दूर से देख लिया ना मतलब कितना खूबसूरत है। बाकी आप छोटा छोटा पक्षी देखो कैसा चूमना है समंदर में, वो पानी देखो कुर्सी है ना, वो मेरे को लग रहा है 1997 की कुर्सी लगी है जहाज के अंदर यार। बाकी ताज होटल देखो, अभी मैं ताज होटल को करीब से भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप गेट ऑफ इंडिया का पब्लिक देख लो, कितना ज्यादा पब्लिक है यहाँ पे। क्राउड तो भैया खत्म ही नहीं होता, कुछ भी हो कैसा भी हो, यहाँ पे क्राउड नहीं खत्म होगा, इतना ज्यादा क्राउड रहता है। और ये जो बिल्डिंग है ना, मेरे को ताज होटल से अच्छा तो डिजाइन में यही लग रहा है, ऐसा डिजाइन दिया है। मतलब ये भी ताज होटल का हिस्सा, इसमें भी लोग रुकते हैं, ये होटल है खाना पीने का और ठहरने का भी। होटल नाम किस लिए है, जिसमें खाते हैं उसको रेस्टोरेंट कहते हैं, जिसमें खाते और सोते हैं उसको होटल कहते हैं, इसलिए इसका नाम ताज होटल है। और ये होटल है रतन टाटा का, और इसका अगर पर दिन का कमाई जानना चाहते हैं तो मैं अगर बताऊंगा तो कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे कि आपको कैसे पता, आप झूठ बोल रहे हो। तो आप जाके खुद गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो, एकदम सिंपल ही से। बाकी अब पक्षी देखो जहाँ फ्लाइंग कर रहे हैं, क्या नजारा है यार, कितना मस्त से उड़ रहे हैं यार। और ये देखो, मैं थोड़ा ब्लर करके सीन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी टाइम, मतलब जब यहाँ 5 बजे आओगे ना तो गेट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ताज होटल का जो परछाई आ जाता है तो थोड़ा छाई हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बात और ध्यान में रखना, 7 बजे गेट ऑफ इंडिया बंद हो जाता है, इसके अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि 7 बजे बंद कर देते हैं, एक बार यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था ना, इसलिए इसको 7 बजे बंद कर देते हैं। और ताज होटल चालू रहता है एनी टाइम, तो आप उसके सामने जाके फोटो वगैरह ले सकते, पब्लिक रहती है लेकिन इतना मजा नहीं आता जितना जब गेट ऑफ इंडिया खुला रहता है। बाकी ताज होटल देखो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, आप इसको देखो, इसका डिजाइन यार क्या, कैमरा मैन मेरा आ गया फोटो ले। मैं सोच रहा हूँ भाई इतना चश्मा किस काम के लगा के रखा है यार,
मेरे को समझ में नहीं आता। बाकी आप पब्लिक देखो, कोई इस डिजाइन में, कोई उस डिजाइन में, मतलब जिस डिजाइन में चाहोगे उस डिजाइन में आपको यहाँ पर लोग मिल जाएंगे फोटो खींचते हुए। और पब्लिक तो यहाँ पर आपको लाख के ऊपर तो हमेशा हमेशा। बाकी गेट ऑफ इंडिया का दूर से देखो, मैं थोड़ा दूर आके दिखा रहा हूँ, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और ये देखो जहाज देखो, कुछ जा रही है तो कुछ आ रही है तो कुछ खड़ी है। इतना ज्यादा जहाज यहाँ पे हमेशा रहता है। लेकिन ये जब बारिश का मौसम होता है, देहात में बरखा बोलते हैं, बरखा मतलब बारिश के मौसम में नहीं रहता है, क्योंकि समंदर का लहरा कुछ ज्यादा ही रहता है। और अब गेट ऑफ ताज होटल का पूरा व्यू आप देखो, नीचे नीचे का कितना मस्त व्यू है, नीचे से लेकर ऊपर तक। रतन टाटा क्या दिमाग लगवा के बनवाए हैं यार, ये टाटा का है तो टाटा कंपनी का, तो आप पूरा देख सकते हो, मतलब क्या दिमाग लगा के बनाया है यार। तो भाई वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गेट ऑफ इंडिया की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना ना भूलें। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी जगह, तो बाय।